युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ एवं महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के स्मृति सभागार में रविवार से साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह का शुभारंभ किया गया। समारोह में लोक कल्याण भारतीय संस्कृति की विशेषता है विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र लोक मंगल एवं लोक कल्याण भगवान शिवरात्रि महायोगी गोरखनाथ की तपस्थली श्री गोरक्षपीठ का भी वैचारिक अधिष्ठान है। गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ एवं गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ का पूरा जीवन लोक कल्याण एवं लोक मंगल को ही समर्पित था। भारतीय संस्कृति के अनेकों नेक विशेषताओं में लोक कल्याण एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि भारतीय संस्कृति का हम निचोड़ देखें तो वह परोपकार है। परोपकार लोक कल्याण का ही पर्याय है। भारत की सनातन संस्कृति में सदैव दूसरों के लिए जीवन जीने को महत्वपूर्ण माना गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मंत्र भारतीय संस्कृति में ही गूंजा, जो लोक कल्याण की ही प्रेरणा देता है। सम्मेलन के मुख्य वक्ता भारत सरकार के मानव संसाधन के विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह ने कहा कि गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर ने सदैव लोक कल्याण और लोक मंगल के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और आज भी गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की सुख सुविधाओं के लिए दिन रात एक कर अपनी सुख सुविधाओं की तिलांजलि देकर इस पीठ के लोक कल्याण के पथ पर अग्रसर हैं। वास्तव में मनुष्य के तीन शत्रु हैं, अज्ञान, अन्याय और अभाव। बिना इनके समाधान के लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। वास्तव में लोक कल्याण का अर्थ इन्हीं तीन मानव शत्रुओं के विरुद्ध संघर्ष है। श्री गोरक्षपीठ के शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से अज्ञात के विरुद्ध संघर्ष छेड़ रखा है। अन्याय के विरुद्ध समाज को जागृत करने एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में महंत योगी आदित्यनाथ जी ने अभ्यर्थियों अत्याचारियों के अंत का शंखनाद कर दिया है। सेवा और विकास के बल पर अभाव के विरुद्ध जंग जारी है। इस पीठ की यही लोक कल्याणकारी अज्ञान का देश प्रशंसक है। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुकेश खंडेकर ने कहा कि भारत की पहचान उसकी संस्कृति से ही है। भारतीय संस्कृति ऋषियों की तपस्या का प्रतिफल है। भारत देवी भूमि है, पूर्ण भूमि है, मातृभूमि है। इसका निर्माण ईश्वर ने लोक कल्याण के ही लिए किया है। सिद्धिं व्रजे निखिल ब्रह्मा
तिरोभवति भक्तजनस्य नूनं परदर्शनं हरति कस्य समस्त चिन्ता त्वत्सेवनं हरति पापति साच पुञ्जं हे नाथ मामपि विलो कय दीन बंधो संताप तत्तरिगयं कृपणं छडेस्मिन् पारानते शिरसि मे वरदात्महस्तं कामं निदेहि गुरुदेव भवानुकूल दोषा करोस्मि भगवन् ननु कम्पनीयः निर्दोषतां सुलभा जगति कलेस्मिन् गोरक्षनाथस्य हि संप्रदाये सुदीक्षितं योगपरं वरेण्यम् पृथ्वीधे खलु संप्रदाये दीनात बंधौ च परायणं वै सौवर्णकर्णा भरणं सुदीप्यं काषाय वस्त्रैः परिभूषिताङ्गम् अवेद्यनाथं तमनाथनाथं गोरक्षपीठाधिपतिं स्मरामि। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, आर्टिकल लिखा है, संपादित किए हैं
हम 107 देशों में भटकते रहे, जहां सर्वत्र हमारी नारकीय स्थिति थी, नारकीय जीवन था, हम खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन 107 देशों में केवल भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने हमको अपने बंधुत्व, आत्मीयता के, स्नेह की भावना के साथ केवल हमारा शिक्षा, हमारे संस्कार नहीं, हमारी सभ्यता को भी पोषित करने का काम किया। आज उसके कारण से हम अपने देश में अपनी भूमि के दर्शन कर पा रहे हैं। वास्तव में यह है हमारी अपनी भारत की संस्कृति, जो सर्वसमावेशी है, सबको अपने में समाविष्ट करने की जिसकी एक शक्ति है। और इसलिए देश पर न जाने कितने लोगों ने आक्रमण किए, लेकिन आज भी वो अपनी संस्कृति वैसी की वैसी विद्यमान है। गुरुजी महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि सारे विश्व के मनुष्य अपने चरित्र की शिक्षा यहाँ के रहने वाले लोगों से ग्रहण करें। एतत् देश प्रसूतस्य सदा साधक जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेण पृथिव्यां सर्वमानवा। पृथ्वी के सभी मनुष्य अपने चरित्र की, संस्कार की शिक्षा भारत में रहने वाले लोगों से ग्रहण करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम पश्चिमी शिक्षा का अनुकरण कर रहे हैं, जो कि हमारे माननीय मुकेश जी ने कहा कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का अनुकरण करके हम अपनी संस्कृति और संस्कार से दूर होते चले जा रहे हैं। बंधुओं, भारतीय संस्कृति ने जो समरसता का और समाज कल्याण का उपदेश दिया है, ऐसा उपदेश दुनिया की किसी संस्कृति में नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहिषाः वो ब्राह्मणेभ्यः सोमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ये मंत्र, ये वाक्य कहता है स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्। राजा समाज का संरक्षक होता है। शास्त्र कहता है स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याये मार्गेण महीमहिषाः। गद्दी पर बैठे हुए लोग, शासन तंत्र के लोग न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करें, जिससे प्रजा का कल्याण हो। वो ब्राह्मणे भी सुखमस्तु नित्यम्, और गाय और ब्राह्मण का सुख हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, संपूर्ण लोक के प्राणी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। अन्य संस्कृतियां कहती हैं सबको मार डालो, काट दो, केवल हमारा ही धर्म, हमारा सिद्धांत तो सही है। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। पशु पक्षी धर्म अधर्म नास्तिक आस्तिक सबके कल्याण की कामना करने वाली संस्कृति भारतीय संस्कृति। और ऐसी संस्कृति की सुरक्षा में लगी हुई ये पीठ, गोरक्ष पीठ, हजारों वर्ष से इस पीठ पर बैठने वाले सभी आचार्यों ने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपने जीवन का त्याग किया, जीवन की ऊर्जा लगाई। आज भी उस परंपरा का हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज उसका निर्वहन कर रहे हैं, और पूज्य पूर्वाचार्यों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं। श्रद्धांजलि शब्द का बस एक ही अर्थ मैं कहूंगा, अंजलि माने दोनों हाथ को जोड़ लेना, अंजलि कहते हैं। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, और अंजलि का मतलब होता है क्रिया शक्ति, क्योंकि हाथ से ही सारी क्रियाएं होती हैं। तो ऐसे महापुरुषों के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी क्रिया शक्ति को लगा दें, यही सबसे बड़ी पुष्पांजलि और यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। उच्च महापुरुषों ने जो मार्ग दिया, उस मार्ग पर चलकर भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हम लोग सब प्रयास करते हैं। इसी उद्घोष के साथ वाणी को विराम और पूर्वाचार्यों के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि प्रस्तुत करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित होने का मुझे जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कृतज्ञ हूं। मेरा यह विश्वास है, आप सब लोगों का भी विश्वास होगा, कि ब्रह्मलीन महेंद्र योगी दिग्विजयनाथ महाराज जी महाराज और मैं अवैधनाथ जी महाराज के आत्मा बड़ी प्रसन्न आज होगी कि उन्हीं की शिष्य परंपरा में उनका एक शिष्य आज भारतवर्ष के सबसे बड़े प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के हैं। और उनके कंधों पर इस उत्तर प्रदेश के लोगों का लोक कल्याण करने की जिम्मेदारी है। मैं सबसे पहले तो आयोग को इस बात
महाराज के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने संगोष्ठी का जो विषय रखा कि भारतीय संस्कृति के विशेष लोक कल्याण है। बहुत लोगों को ये बात मालूम होगी, भारतीय संस्कृति का मूल वेद है और चारों वेदों के अंदर एक ही प्रश्न आता है, प्रथम यत्र भुवनस्य नाभि, इस भुवन की, इस विश्व की नाभि क्या है, इसका केंद्र बिंदु क्या है, और चारों वेदों के अंदर उसका एक ही उत्तर है, अयम यज्ञ हो भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ जो है इस भुवन की, इस विश्व की केंद्र बिंदु है। मित्रों, इस यज्ञ को हमारे ऋषियों ने कहा कि यज्ञ का अर्थ जो है बड़े लोगों की, सम्मान्य लोगों की पूजा की जाए, हमसे जो छोटे हैं उनको दान दान दिया जाए, उनको ज्ञान दिया जाए, उनको सब प्रकार से मदद की जाए, सहर को, गरीबों को, कमजोरों को मदद की जाए, हम एक टीम के माध्यम से, एक संगठीकरण के माध्यम से लोक का कल्याण करें। कई बार मन में ये प्रश्न पैदा होता है, ये लोक कल्याण क्या चीज है। मैं अभी सोच रहा था, इस समाज के, मानव समाज के तीन सबसे बड़े शत्रु हैं, एक अज्ञान है, एक अन्याय है और एक अभाव है। ये तीनों ऐसे शत्रु हैं, समाज के पास किसी प्रकार की कमी नहीं, समाज के पास कोई अन्याय नहीं, कोई क्राइम नहीं, कोई अपराध नहीं। अगर समाज के अंदर अज्ञान है तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता। समाज में शिक्षा की कमी नहीं, समाज में खाने पीने की कमी नहीं, लेकिन समाज के अंदर अन्याय है, गुंडे और बदमाश आते हैं, लूट करके चले जाते हैं, तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए अन्याय का प्रतिकार करना पड़ता है। समाज में न्याय है, न समाज में ज्ञान है, न शिक्षा है, लेकिन समाज में खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं, अभाव है, इसलिए लोग खुश नहीं रह सकते। इस अभाव की समाज का एक शत्रु है, इसलिए लोक कल्याण उसको कहा। जो भी व्यक्ति इन तीनों शब्दों के खिलाफ लड़ने की ताकत रखता है, उसके लिए संकल्प लेता है, कोई लोक कल्याण का काम करता है। इसलिए हमारे इन युग पुरुषों ने, जिन्होंने शिक्षा संस्थान खोल करके 1932 के अंदर महाराणा प्रताप के नाम से शिक्षा संस्थान जो है आदरणीय महान दिग्विजय नाथ जी ने खोली, आज 45-48 कितनी संस्था है, उन्होंने अज्ञान का जो अंधकार था दूर करने की क्षेत्र में कोशिश की। सर्वप्रथम सम्मेलन में मंच पर उपस्थित पूज्य संत कल से ही यहां पर जिनके श्रीमुख से श्री राम कथा श्रवण का आनंद यहाँ के श्रद्धालुजनों को प्राप्त हो रहा है, ऐसे पूज्य संत डॉक्टर राम कमल दास वेदांत जी महाराज, रामकोट अयोध्या से पधारे जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज, सुग्रीव किला अयोध्या से पधारे पूज्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत सुरेशदास जी महाराज, बड़ौदा गुजरात से पधारे श्री महंत गंगादास जी महाराज, बड़े भक्तमाल अयोध्या से पधारे श्री महंत अवधेश दास जी महाराज, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण, राज राज्य मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह जी, विशेष प्रवक्ता के रूप में आप सबने यहाँ पर जिनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत प्रचारक श्री मुकेश जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह जी और इस संपूर्ण कार्यक्रम जिनके मार्गदर्शन में वर्तमान में यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखस्थित से अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालुजन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के
हमारे सभी आचार्यगण उपस्थित सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि गोरखस्वीत अपने पूज्य आचार्यों ब्रह्मदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मदेव महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर इस साप्ताहिक कार्यक्रम को प्रतिवर्ष संपन्न करती है। और कार्यक्रमों की श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के संगोष्ठियों तथा धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों को यहां पर संपन्न करती है। यह वर्ष ब्रह्मदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 50वीं पुण्यतिथि का है और मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की 4थी पुण्यतिथि का वर्ष होने के कारण इस वर्ष भी जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं उनमें कल से यहाँ पर श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ है और आज जिन जीवन मूल्यों के लिए गोरखस्पीठ से जुड़े थे दोनों पूज्याचार्यों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, लोक कल्याण में समर्पित इन दोनों पूज्य संतों का जीवन जिस लोक कल्याण के लिए समर्पित था उसी लोक कल्याण से संबंधित इस महत्वपूर्ण विषय पर आज की संगोष्ठी यहाँ पर रखी गई है, जिसमें आपने हमारे मुख्य अतिथियों का मुख्य वक्ता और विशिष्ट वक्ताओं का महत्वपूर्ण वक्तव्य यहाँ पर सुना है। और भारतीय संस्कृति दुनिया में अन्य से अलग कैसे है, मुझे लगता है कि इन वक्तव्यों के माध्यम से आप स्वयं उसको समझ सकते हैं। पूरा निचोड़ ही जब हमारी भारतीय संस्कृति की बात आती है तो कहीं ना कहीं वह परोपकार में आकर के उसका निचोड़ ही परोपकार में आकर के संपन्न होता है, यानी जिसमें दूसरे का कल्याण हो, लोगों का कल्याण उसका मुख्य ध्येय है, उसमें स्वयं के स्वार्थ के लिए जगह नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो। हमने जब धर्म की व्याख्या भी की तो धर्म में हमने ये नहीं कहा कि जो हमारे इस उपासना विधि को मानेगा वही हमारा इस धर्म का अनुयायी हो सकता है। हमने ये कभी नहीं कहा कि हिंदू होने की परिभाषा यह है कि जो मंदिर जाए, जो टीका लगाए, जो चोटी रखे। हमने कभी भी इस बंधन के साथ समाज को जोड़ने का प्रयास नहीं किया। हमने एक बात जरूर कही कि धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है और इस शाश्वत व्यवस्था जो हमें परोपकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है, हमारे कर्तव्यों का भान हमें कराता है और हमें एक निश्चित नैतिक मूल्यों के प्रति आग्रही बनाता है। ये जो शाश्वत व्यवस्था है उस शाश्वत व्यवस्था को हम लोगों ने धर्म माना है। हमने धर्म किसी उपासना विधि मात्र को नहीं माना, हमने धर्म किसी एक उपासना स्थल में जाने पर या किसी एक इष्ट को मानने को हमने धर्म नहीं माना। हमने कहा उसका उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसकी व्यक्तिगत
पसंद ना पसंद पर हमारी को हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन जब आप व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो व्यापक परिप्रेक्ष्य में धर्म की परिभाषा उस लोक कल्याण के भाव को लेकर के निहित है जिसमें व्यक्ति के साथ साथ इस समाज का और इस संपूर्ण विश्व का कल्याण निहित हो। अयम निज पुरोविधि गणना मद चेतसाम, यानी ये भाव ही यहां से प्रारंभ होता है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंब कम के भाव के साथ जुड़ता है, आगे बढ़ता है। हमने उसको किसी एक संकीर्णता के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं किया, हमने इस बात को सदैव महत्व दिया कि यह मेरा है, यह पराये का है। यह संकुचित बुद्धि वाले लोग सोचते हैं, यह संकुचित बुद्धि भारत की सनातन धर्म की परंपरा ने कभी इसको महत्व नहीं दिया। हमने तो यह माना है कि संपूर्ण विश्व एक कुटुंब है और संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब के रूप में लेकर के हमने फिर इस बात को कहा, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हमने इस बात को कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। यानी हम उस स्तर तक आगे चल कर के आगे बढ़े हैं, हमारा मूल यही है, हमारा वेद यही कहता है, हमारा शास्त्र यही कहता है, हमारे यहां अवतारों की परंपरा यही कहती है। उसने हमें किसी एक संकीर्णता के दायरे में कैद करके नहीं रखा, और जब संकीर्णता के दायरे में कैद नहीं रखा तो यही तो वह हेतु है जिसको लेकर के हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे संतों ने, धर्माचार्यों ने अपना जीवन लोक के कल्याण के लिए समर्पित किया। क्यों तदीची को अपनी हड्डियां दान करनी पड़ी थी, क्यों भारत की ऋषि की ऋषि परंपरा की समृद्ध परंपरा ने अपना पूरा देह इस धर्म के लिए समर्पित किया। लोक कल्याण का भाव उसके अंदर निहित है और लोक कल्याण का वो भाव ही है जिसके कारण आपने देखा होगा आज नहीं प्राचीन काल से जब दुनिया अंधकार के दायरे में कैद होकर रह गई थी उस कालखंड में भी भारत के गुरुकुलों में भारत के जो ऋषि परंपरा के आश्रम थे उसमें गुरुकुलों की परंपरा के माध्यम से लोगों को सत्य का भान कराने, सत्य का ज्ञान कराने और सत्य के मार्ग का अनुसरण कराने की प्रेरणा प्राप्त होती रही। समय बदला, समय बदलने के बाद भी अगर आज भी आप देखेंगे तो देश के अंदर सरकारें उतनी संस्थाओं का संचालन नहीं कर रही होंगी जितने देश के अंदर धार्मिक संस्थाओं के द्वारा स्कूल, हॉस्पिटल या सेवा के विभिन्न प्रकार के जो प्रकल्प और जो कार्यक्रम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने सरकार के स्तर पर नहीं उतना धर्मार्थ संस्थाओं का, सांस्कृतिक संस्थाओं का योगदान उसमें उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि उन्होंने एक बड़े वर्ग तक शिक्षा की ज्योति को पहुंचाने का कार्य किया है। स्वास्थ्य के माध्यम से एक बड़े तबके को सही, सस्ते और विश्वसनीय स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। सैकड़ों वर्षों से उन वंचित तबकों के बीच में जाकर के उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। इन सब के पीछे का हेतु लोक कल्याण है और इसीलिए आज के इस संगोष्ठी का जो विषय रखा गया था वह भी यही था कि भारतीय संस्कृति का मूल उद्देश्य है लोक कल्याण। लोक कल्याण के लिए ही गोरखपीठ के हमारे जो दो पूर्व आचार्य थे ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज, इन दोनों पूज्य संतों का जीवन इस हेतु समर्पित था, इस लोक कल्याण के लिए समर्पित था। इस लोक कल्याण के लिए समर्पित उनका जीवन पूरे देश के अंदर
नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए स्थानों के माध्यम से चल रहे सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से, सेवा के कार्यक्रमों के माध्यम से देखा और समझा जा सकता है। लोक कल्याण के लिए समर्पित उनका जीवन गोरख स्पीड से संचालित स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से देखा और समझा जा सकता है। और सेवा के लिए समर्पित, लोक कल्याण के भाव के लिए समर्पित इस परंपरा में जो साप्ताहिक कार्यक्रम होने, साप्ताहिक कार्यक्रमों में इसी प्रकार के उन महत्वपूर्ण विषयक सम्मेलन रखे जाते हैं जिनके लिए गोरख स्पीड से जुड़े हुए इन पूज्य संतों ने, इन पूज्य आचार्यों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। मैं आज के इस अवसर पर अपने सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूं, पूज्य संतों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन के माध्यम से यहां पर उपस्थित श्रद्धालुजनों को, महाप्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे छात्र छात्राओं को, आचार्यों का मार्गदर्शन किया है, वो जो संतों का और हमारे अन्य अतिथियों का मार्गदर्शन अन्य विषयों पर भी अलग अलग दिन आप सबको प्राप्त होता रहेगा। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you.